मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सीआरपीसी का अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या प्रावधान किया गया है, बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। मुख्य रूप से अध्याय 13 में सीआरपीसी की सेक्शन 177 से लेकर के 189 189 तक जो है सेक्शन, वो सीआरपीसी के अध्याय 13 में है। और मुख्य प्रावधान क्या है, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में प्रावधान किया गया है। जांचों विचारणों एवं दंड न्यायालय की अधिकारिता सीआरपीसी 177, जांच और विचारण का मामूली स्थान सीआरपीसी 178, जांच या विचारण का स्थान 179, अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया, जहां परिणाम निकला या जहां परिणाम निकला। सीआरपीसी 180, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। सीआरपीसी 181, कुछ अपराधों की दशा में विचारणों का स्थान। 182, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। 183, यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। 184, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। 185, विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति सीआरपीसी। 186, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। 187, स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति सीआरपीसी। 188, भारत से बाहर किया गया अपराध सीआरपीसी 189, भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था सीआरपीसी का अध्याय 13, जो कि जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में प्रावधान करता है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से डिटेल में, ये हमने आपको संक्षेप में बताया और जानकारी के लिए है। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।